नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, जो कि आज पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाने लगा और 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो सब कुछ आपको बताएंगे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस, ऐसा दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसके बारे में सुना सबने होगा, लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, जिससे आम जनता को प्रेरित किया जा सके। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून को ही क्यों चुना गया। तो हम आपको बता दें कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक मानव पर्यावरण पर शुरू हुए सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र आम सभा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कुछ प्रभावकारी अभियानों को चलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ तथा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। तब से लेकर आज तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति एवं उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा की तरफ ये भारत का पहला कदम माना जाता है, इसलिए ये दिन भारत के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पहली बार 1973 में कुछ खास कॉन्सेप्ट के साथ केवल धरती विषय के साथ मनाया गया। इसके बाद 1974 से दुनिया के अलग अलग शहरों में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की जा रही है। बड़े पर्यावरण मुद्दे जैसे भोजन की बर्बादी और नुकसान, जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि से बचाव और भविष्य में आने वाले खतरों से आगाह करने के लिए हर साल पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इसके लिए हर साल एक नया विषय और एक नई थीम को चुना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ। उसके जल, वायु, भूमि, इन तीनों से संबंधित कारक तथा मानव, पौधों, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आपको बता दें विश्व पर्यावरण दिवस अभियान से जुड़े कुछ उद्देश्यों के बारे में। पर्यावरण मुद्दों के बारे में आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए इसे मनाया जाता है। विकसित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों में एक सक्रिय एजेंट बनने के साथ ही साथ उत्सव में सक्रियता से भाग लेने के लिए अलग समाज और समुदाय से आम लोगों को बढ़ावा देते हैं। उन्हें जानने दो कि पर्यावरणीय मुद्दों की ओर नकारात्मक बदलाव रोकने के लिए सामुदायिक लोग बहुत जरूरी हैं। सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक सुखी भविष्य का आनंद लेने के लिए लोगों को अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्व भर में आम लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करने, मानव जीवन में स्वास्थ्य और हरित पर्यावरण के महत्व को समझाने और इन सब के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहे HBN न्यूज़। नमस्कार।